चैनल में स्वागत है। आइए हम लोग क्लास फर्स्ट ईयर के लिए एक क्लास देखते हैं। आप लोग फर्स्ट ईयर क्लास में आपने मैं पिछले वीडियो में पढ़ लिया था कि केमिकल फार्मूला के बारे में, केमिकल फार्मूले कैसे हम लोग तैयार करेंगे इसके बारे में आपको पता चल गया। तो आपने पहले क्या किया था, आपने परसेंटेज निकाला था पिछले वीडियो को लेकर के। केमिकल फार्मूला के लिए आपने परसेंटेज निकाला था। परसेंटेज निकालने के बाद आपने एम्पिरिकल फार्मूला निकाला था, एम्पिरिकल फार्मूला निकाला था, और एम्पिरिकल फार्मूला के बाद आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाला था। ये पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके और ये लेक्चर आप देख सकते हैं, केमिकल फार्मूले वाले लेक्चर देख सकते हैं फर्स्ट ईयर में। तो अगला हम लोग का जो टॉपिक होगा वो होगा स्टोकियोमेट्री, रस समीकरणमिति। एक्चुअली देखिए अभी ये नया शब्द है स्टोकियोमेट्री आप लोग के लिए। जो स्टोकियोमेट्री शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक होता है स्टोकियोन और दूसरा है मेट्रोन। देखिए स्टोकियोन ग्रीक भाषा शब्द है, ये कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। तो ये दोनों क्या है, ग्रीक वर्ड है, ये भी आपका ग्रीक वर्ड है, ध्यान दीजिएगा। दोनों क्या है, ग्रीक वर्ड है। और स्टोकियोन का अर्थ होता है एलिमेंट, क्या अर्थ होता है, एलिमेंट। और मेट्रॉन का होता है अर्थ टू मीटर, टू मीटर। एलिमेंट और टू मीटर क्या होता है, टू मीटर, एम ई एस यू आर ई, मीजर। थोड़ा इसको देखते हैं, मीजर क्यों बनाते हैं, एम ई एस यू आर ई, मीजर। अब जानते हैं एलिमेंट्स टू मीजर। एलिमेंट मैंने क्या होता है आपको पता है, तत्व होता है, और टू मैंने मापना। तो फाइनली हम कह सकते हैं स्टोकियोमेट्री का अर्थ ही होता है कि किसी भी तत्व के मापन करना, यानी कि तत्व कौन सा है और कितने कितने उसकी माप है, उस माप को स्टोकियोमेट्री कहते हैं। इसके लिए एक लेते हैं एग्जांपल, आपका एग्जांपल है कि रिएक्शन से लेके चलेंगे CH4+2O2, एग्जांपल है आपका CH4+2O2 बनाएगा क्या, CO2, क्या CO2+2H2O। देखिएगा एक रिएक्शन है, आपको पता है CH4 किस फॉर्म में रहेगा, गैस में, ऑक्सीजन में, गैस में, यानी कि यहाँ सब गैस फॉर्म में रहेगा। एक रिएक्शन को हम लोग ले चलते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में TH2O रख सकता है पानी, लेकिन यहाँ गैस ही फॉर्म में हम लोग रखेंगे। किस फॉर्म में रखेंगे, गैस। हम लोग बात कर रहे हैं बस इसमें CH4+2O2 CO2+2H2O। एक चीज इसमें देख रहे हैं हम आपको बता दें, चूंकि हम स्टोकियोमेट्री पढ़ रहे हैं, इस रिएक्शन से, ये रिएक्शन जो है, इस रिएक्शन से क्या पता चल रहा है, पहले हम लोग देखेंगे इस रिएक्शन से क्या पता चल रहा है। पहले नंबर ये कह रहा है, अगर हम देखें तो एक मोल मिथेन तथा 2 मोल डाइऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड तथा 2 मोल H2O पानी का, वाटर का निर्माण कर रहा है।
यानी कि हम यहाँ देखें हर एक योगी का एक मापन निश्चित किए कितने क्या माप है। दूसरा अगर हम देखें दूसरे व्यू से देखिएगा, हम ये कह सकते हैं यहाँ कार्बन क्या होता है 16 ग्राम मीथेन तथा सोलह दुना आठ, ये देखिए 16 होता है ऑक्सीजन का, तो 16 तथा 16 दुना 32 दुना 64 ग्राम ऑक्सीजन मिलकर इस रिएक्शन से देख रहे हैं मिलकर 44 ग्राम CO2 तथा 36 ग्राम पानी का निर्माण कर रहे हैं, पानी का निर्माण हो रहा है। ये देखिए आपने कई तरह से निकाला, यहाँ मोल संबंधी, यहाँ द्रव्यमान संबंधी आप निकाल रहे हैं। एक और चीज देखेंगे कि अगर इसमें एक चीज और इसका माप देखेंगे इस वाले में, स्टॉइकोमेट्री सब देख रहे हैं। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, हम ये कह सकते हैं कि एक अणु मेथेन प्लस 2 अणु डाई ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर एक अणु CO2 व 2 अणु H2O का निर्माण कर रहा है। ये सब हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, एक मापन करके, यानी कितनी माप है। तो आपने देखा एक एग्जांपल लिया है मीथेन का, और कई तरीके से आप देख रहे हैं, पहला तरीका मोल से, द्रव्यमान से, और यहाँ अणु से आप एक मापन करके बता रहे हैं कि कितने जो है कि मीथेन कितना भाग ले रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ एक गुणांक है स्टोइकोमेट्री है, यहाँ डाई ऑक्सीजन का 2 गुणांक है, और यह कार्बन का 1 गुणांक है, और पानी का 1 गुणांक है जो है कि मीथेन का निर्माण कर रहा है। और इसकी सब क्या है, एक स्टोइकोमेट्री है, क्या है, एक स्टोइकोमेट्री है। और एक तरह से हम लोग गैस वाली भाषा से देख सकते हैं, गैस वाली भाषा से देखें थोड़ा इसको आप लोग नोट कर लेंगे, या इसको नोट करें और फिर हम जो है कि आगे लेके चलते हैं, आपको इसी में थोड़ा बढ़ाते हैं। नोट करें सभी लोग, टाइम मिलता है नोट करें। नोट करें, मिटाते हैं। तो चलिए लोग मिटाते हैं। तो आपने देखा कि स्टोइकोमेट्री मीथेन का ले रहे थे, और हम गैस अभी रिएक्शन हम लोग मिटा दिए हैं, रिएक्शन ये है CH4
प्लस टू ओ टू बना क्या रहा है, सी ओ टू प्लस टू एच टू। अगर ये सब गैस फार्म में है तो गैस फार्म में हम जानते हैं एक मोल, अभी ये होता है कि ये एक मोल है, एक मोल है, ये दो मोल है और ये एक मोल, ये दो मोल। देखिएगा हमें पता है, पता क्या है, एक मोल, एक मोल गैस का जो आयतन होता है वो होता है 22.7 लीटर। क्या होता है 22.7 लीटर। हम इसके परिप्रेक्ष्य में अगर हम इसकी मापन करें तो मापन क्या करेंगे, कहेंगे कि 22.7 लीटर मीथेन, मीथेन और दो मोल है तो दो मोल होगा तो क्या होगा, 22.7 × 14 = 45.7 क्या आएगा, 45.7 लीटर, सॉरी 45.4 लीटर। गुणा करेंगे इसका दुगुना तो दो गुणा है, दो मोल है तो दो, इसे दो गुणा करेंगे 45.4 लीटर डाई ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर, आपस में रिएक्ट कर, आपस में रिएक्ट कर क्या कर रहा है 22.7 लीटर CO2 व 45.4 लीटर पानी का निर्माण कर रहा है, निर्माण कर रहा है। उपरोक्त आप देखें कि आपने जहां भी देखा एक माप दिए, यानी कि एक मापन किए, तो अगर हम स्टोकियोमेट्री को परिभाषित कर सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों की मात्राओं के मध्य संबंध को अभिक्रिया का रस समीकरण कहा जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों के सूत्रों या प्रतीकों से पहले लिखे गए अंग स्टोकियोमेट्री या रस क्रमणिकी गुणांक कहलाता है। तो आपने देखा कि आप रस क्या कहलाता है, यानी कि स्टोकियोमेट्री क्या कहलाता है, आपको जो मापन है सिस्टम उसको स्टोकियोमेट्री हम लोग कहते हैं। आप देख लीजिए कि अगर द्रव्यमान को मोलों की संख्या, ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान से आप क्या कर सकते हैं, द्रव्यमान से मोलों की संख्या हम परिवर्तित कर सकते हैं, मोलों की संख्या भी हम आपको बता देंगे क्या होता है, मोलों की संख्या कैलकुलेट कर सकते हैं, द्रव्यमान पता है तो आप मोलों की संख्या कैलकुलेट कर सकते हैं और इससे आप क्या कर सकते हैं अणुओं की संख्या कैलकुलेट कर सकते हैं, और अणुओं की संख्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा इतना, द्रव्यमान से मोलों की संख्या, अणुओं की संख्या कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ एक चीज और आपको बता दे कि द्रव्यमान घनत्व बराबर होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, यह आपको इम्पोर्टेंट है, यह तैयार कीजिएगा। मोलों की संख्या देखिएगा, मोलों की संख्या बराबर होता है, मोलों की संख्या बराबर होता है पदार्थ का भार, पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार, का अणुभार। ध्यान दीजिएगा मोलों की संख्या यन से दर्शाते हैं, n बराबर क्या होगा w बाई m, ये फार्मूला आपको तैयार होना चाहिए, n बराबर w बाई m। यहाँ से कुछ हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये घनत्व को अगर d से डिनोटेट करते हैं तो d बराबर क्या होगा, d बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बटे आयतन, m बाई v द्रव्यमान बटे आयतन, यहाँ मोलों की संख्या। और एक चीज़ और जानते हैं, एक मोल बराबर क्या होता है,
हमने आपको मूल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो दिखाया था क्या होता है 6.022 × 10^23 अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या। तो ये आप नोट करेंगे और नोट करेंगे ताकि एक हम और आपको क्वेश्चन करा सके इस पे। क्वेश्चन करेंगे ओके। मिटा दें मिटाते हैं हम। हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 16 ग्राम मेथेन, 16 ग्राम मेथेन के दहन से प्राप्त जल की मात्रा का परिकलन ग्राम में कीजिए। ये आपका एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है स्टोइकोमेट्री इफेक्ट के आधार पे। तो देखेंगे कह रहा है कि 16 ग्राम मीथेन को दहन से प्राप्त जल की मात्रा का परिकलन कीजिए। ध्यान दीजिएगा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप मीथेन को जलाएंगे तो क्या होगा, यानी कि CH4 को जलाएंगे और जलाते हैं तो कभी किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनेगा, CO2 + 2H2O क्या बनेगा, 2H2O। ध्यान दीजिएगा ये पूछ रहा है कि इसको 18 ग्राम, ये क्या है 18 ग्राम जला रहे हैं तो ये कितने ग्राम बनेगा, यही पूछ रहा है, इसकी मात्रा पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा अगर हम इसको अपने हिसाब से देखें कि 18 ग्राम आप कर रहे हैं यानी कि 16 यहाँ तो 16 ग्राम है लेकिन आप 18 ग्राम अगर CH4 को जला रहे हैं तो पानी का निर्माण कितना होगा, इसमें हम लोग को ध्यान देना है। क्या 16 ग्राम मीथेन को दहन करने पर, ध्यान दीजिएगा 16 ग्राम CH4 यहाँ 16 ग्राम हो रहा है, 16 ग्राम CH4 यहाँ 1 मोल, ध्यान दीजिएगा 1 मोल CH4 को जला रहे हो तो कितने मोल मिल रहा है, 2 मोल आपको H2 मिल रहा है, कितने ग्राम मिल रहा है 2 मोल, और 1 मोल H2O का भार कितना है 16 ग्राम। तो पानी का भार आप जानते हैं 1 मोल, एक चीज और बता दें, 1 मोल H2O का भार 18 ग्राम होता है, कितने होता है 18 ग्राम। तो 16 ग्राम मोल यहाँ 1 मोल में 16 ग्राम है तो 2 मोल H2O तो 18 × 36 ग्राम यानी कि 18 × 2 H2 = 36 ग्राम आपका पानी का निर्माण होगा, ये आपने देखा, ये क्वेश्चन देखा कि आपने 16 ग्राम अगर CH4 के ले रहे हो तो 36 ग्राम पानी का निर्माण हो रहा है। दूसरा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, इसी में दूसरा क्वेश्चन करते हैं।
देखेंगे इसको, बिताते हैं आप लोग, लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए। तो एक क्वेश्चन है, मेथेन के कितने मोल दहन से 22 ग्राम CO2 प्राप्त किया जाता है। इस क्वेश्चन को हम लोग स्टोइकोमेट्री से करते हैं, मेथेन के कितने मोल को दहन करने से 22 ग्राम CO2 प्राप्त होता है। तो हम लोग इसका एक रिएक्शन लिखते हैं, CH4 को जलाते हैं, कि 2O2 के प्रेजेंस में क्या बनता है, CO2 प्लस 2H2। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, मीथेन के कितने मोल को दहन करने से 22 ग्राम CO2 प्राप्त होगा। ध्यान दीजिएगा हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक मोल CH4 है, एक मोल क्या है, CH4 है, तो कितने मोल प्राप्त हो रहा है, कितने, एक मोल CO2 प्राप्त हो रहा है। एक मोल CH4 का भार है 16 ग्राम, कितने ग्राम, 16, यानी कि 16 ग्राम मीथेन जला रहे हो, तो एक मोल का जो CO2 का भार है वो 44 ग्राम, ध्यान देना 44 क्या आ रहा है, 12 32 44 होता है। यहाँ 44 निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको 12 प्लस 16 गुणे 2 इक्वल टू 44, यहाँ 12 प्लस 4 इक्वल टू 16। देख रहे हैं 16 ग्राम CH4 को जलाने पे कितना मिलता है CO2, 44। तो यहाँ भार क्या दे दिया है, 22 ग्राम, चूंकि आप देखिए इसका दाम भार दे दिया 22 ग्राम, तो पूछ रहा है कितने CH4 को दहन करना पड़ेगा। अब इसकी भार पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, CH4 का पूछ रहा है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं 16/44, यानी कि हम ये कर सकते हैं, इसलिए CH4 का भार इक्वल टू क्या होगा, 16/44, नहीं सॉरी 22/44 होना चाहिए, 22/44 बराबर आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 0.52। कितने आएगा, 1/2 इंचकल टू 0.5। अब देखिए कितना आया, 0.52। भार पूछ रहा है, ये तो मोल निकला, CH4 का मोल, ये आपका क्या निकला, मोल 0.5 मोल आपका क्या होगा, ये मोल दहन करना पड़ेगा, कुछ कितने मोल, तो 0.5 मोल, कितने मोल, 0.5 मोल आपका आंसर आएगा। तो अगला हम लोग टॉपिक लेके चलते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लेंगे, अगला हम लोग का टॉपिक रहेगा लिमिटिंग सीमांत अभिकर्मक, क्या रहेगा, सीमांत अभिकर्मक, इसी में लिमिटिंग रिएजेंट, तो इसको मिटाते हैं, लिख लीजिए इस क्वेश्चन को, चलिए इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। अगला जो हम लोग का टॉपिक रहेगा वो रहेगा सीमांत अभिकर्मक लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, सीमांत अभिकर्मक, ध्यान दीजिएगा सीमांत अभिकर्मक, सीमांत अभिकर्मक, 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 इसको भी हम लोग एक लिमिटिंग रिएजेंट को यहाँ समझते हैं, हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट क्या है अच्छी तरह से, तो एक हम लोग इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट का भी
एक अच्छा सा एग्जांपल ले चलते हैं, 2H2O+O2, 2H2+O2 इक्वल टू 2H2O। देखिएगा एक रिएक्शन है 2H2+O2 2H2O, इसमें ये कह रहा है कि दो मोल, क्या दो मोल H2 एक मोल डाई ऑक्सीजन और दो मोल वाटर का निर्माण कर रहा है। इस रिएक्शन से ही पता चल रहा है कि दो मोल H2 एक मोल डाई ऑक्सीजन दो मोल वाटर का निर्माण कर रहा है। तो इसे प्राप्त क्या हो रहा है, देखिएगा अगर हम इसमें थोड़ा कंडीशन लगाए, क्या करें थोड़ा कंडीशन लगाते हैं, तो इसमें देखेंगे कंडीशन क्या होगा। अभी देख रहे थे कंडीशन होगा, पहला कंडीशन हम देखें, अगर हम लोग दो मोल H2 ले लें दो मोल का दिया तो यानी कि 22.7 होता है तो कितना होगा 44.5 45.4 लीटर H2 अगर यहाँ बात करें, तथा एक मोल O2 क्या बना रहा है दो मोल H2 ये हम लोग ले लें, ये क्या ले लें ये इनकी मात्रा ये ले लें तो हमारा प्रोडक्ट दो मोल बनेगा। पहला कंडीशन यानी कि ये जो अभिक्रिया होगी ये अभिक्रिया संपन्न होगा तो किसी चीज़ की अधिकता न किसी चीज़ की कमी होगी, अभिक्रिया क्या होगा संपन्न हो जाएगा दो मोल मिलेगा। अगर हम एक चीज करें दूसरा हम करें दूसरा चीज ले लें, अगर हम दो मोल H2 ले लें यानी कि देखेंगे ये एक मोल H2 ले लें एक मोल H2 ले लें प्लस एक मोल O2 ले लें तो क्या होता है। इस कंडीशन में एक मोल H2 लेते हैं और एक मोल O2 लेते हैं, इस कंडीशन में एक मोल H2 तो लग जाएगा, एक मोल H2 लग जाएगा लेकिन होना कितना चाहिए दो मोल। तो पहले रिएक्शन होगा तो इसमें H2 पहले ही समाप्त हो जाएगा, पहले कौन समाप्त हो जाएगा H2 समाप्त हो जाएगा, यानी कि एक मोल H2 है और एक मोल O2 है तो इसमें दो मोल चाहिए तो पहले H2 समाप्त हो जाएगा। इस रिएक्शन में क्या होगा रिएक्शन तो संपन्न होगी, रिएक्शन तो संपन्न होगी, पर H2 पहले समाप्त होगा, पहले समाप्त होगा होगा तथा ऑक्सीजन की मात्रा बच जाएगी, ऑक्सीजन की मात्रा एक्सेज फॉर्म में बच जाएगी, एक्सेज हो जाएगी, एक्सेज हो जाएगी, इससे हम लोग देख रहे हैं। तीसरा कंडीशन देखते हैं, तीसरा कंडीशन अगर आप एक काम करें तीन मोल H2 ले लें, क्या करें तीन मोल H2 ले लें और एक मोल O2 ले लें, इसमें भी क्या होगा रिएक्शन तो संपन्न होगा ही, रिएक्शन क्या होगा संपन्न होगा, रिएक्शन तो संपन्न होगा इसमें भी
होगा, लेकिन यहां पर एच टू तीन मोल लिया गया है, अर्थात एच टू की मात्रा अधिक होगी। एच टू की मात्रा क्या होगी? एच टू की मात्रा अधिक है, एच टू की मात्रा क्या है? अधिक है, अधिक है फल ऑक्सीजन की मात्रा कम होगा, मात्रा कम है जिसके कारण रिएक्शन होने के पश्चात, रिएक्शन होने के पश्चात, होने के पश्चात H2 की मात्रा अधिक हो गया होगा, मात्रा अधिक होगा होगा जबकि O2 की मात्रा कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, हो जाएगा। देखिए इसमें आपने देखा एक चीज, ये तो ये इस कंडीशन में आपका रिएक्शन संपन्न हो रहा है, लेकिन इस वाले कंडीशन में आपका जो है कि एक मोल ओटी की, एक मोल है, एक मोल आपका एच टू है, यहाँ आपका एच टू पहले समाप्त हो गया, यानी कि एच टू पहले समाप्त हुआ तो ओ टू की संख्या क्या हो गई? एक्सेज मात्रा में हो गई, अर्थात जो रिएक्शन संपन्न होने में जिसकी मात्रा पहले समाप्त हो जाती है, जिसके कारण रिएक्शन रुक जाता है, वो पदार्थ सीमांत अभिकर्मक कहलाता है, लिमिटिंग रीजन कहलाता है, यानी कि वे पदार्थ या वे यौगिक जो रिएक्शन होने में पहले ही समाप्त हो जाते हैं या जिनके मात्रा समाप्त होने के कारण रिएक्शन रुक जाती है, उसको हम लोग कहते हैं सीमांत अभिकर्मक। इस वाले कंडीशन में देखेंगे यहाँ सीमांत अभिकर्मक क्या हो रहा है? H2O है, यानी कि इसमें क्या है? H2O की मात्रा पहले समाप्त हो जा रही है, तो H2 क्या है? H2 यहाँ सीमांत अभिकर्मक का काम कर रहा है, H2 सीमांत अभिकर्मक, सीमांत अभिकर्मक का काम कर रहा है, अभिकर्मक का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ अगर आपसे पूछे कि कौन काम कर रहा है सीमांत अभिकर्मक, यहाँ O2 सीमांत अभिकर्मक का काम कर रहा है, क्या कर रहा है? यहाँ O2 सीमांत अभिकर्मक का कार्य कर रहा है। तो देखिए इसमें अगर हम सीमांत अभिकर्मक को परिभाषित करना चाहें तो क्या होगा, क्या परिभाषा होगा? परिभाषा देखिएगा, परिभाषा होगा कि जो अभिक्रिया की कम मात्रा में उपस्थित होता है और कुछ देर में समाप्त हो जाता है, उसके बाद आगे की अभिक्रिया नहीं होती है, भले ही दूसरे अभिकारक की मात्रा उपस्थित हो, अतः जो अभिक्रिया अभिक्रियक में पहले समाप्त होता है वही वह उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है, इसलिए क्या करते हैं उसको? सीमांत अभिकर्मक। चलिए हम लोग देखते हैं, एक्चुअली इस सारे प्रयोग से ये क्लियर हुआ, इस प्रयोग से क्या क्लियर हुआ? इस प्रयोग से ये क्लियर हुआ कि अगर रिएक्शन हो रहा है, हम कह रहे हैं यदि रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है रिएक्शन हो रहा है जिस रिएक्टेंट क्या होता है? अभिकारक, जिस रिएक्टेंट की मात्रा पहले समाप्त हो रही है, मात्रा पहले समाप्त हो रही है, हो रही है जिसके कारण रिएक्शन रुक जा रही है, रिएक्शन
रुक जा रही है, रिएक्शन रुक जा रही है, जा रही है। वह रिएक्टेंट क्या कहलाता है? लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। यदि रिएक्शन हो रहा है, जिस रिएक्टेंट की मात्रा पहले समाप्त हो रही है, जिसके कारण रिएक्शन रुक जा रही है, वह रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। तो आप लोगों ने देखा कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या किससे कहते हैं। हमने देख लिमिटेड सीमांत अभिकर्मक, और आपने एक स्टोकियोमेट्री को जाना। तो इसलिए क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है, तो देखते हैं क्वेश्चन। देखिएगा, एक क्वेश्चन है हम लोग का, 50 केजी N2 और 10 केजी H2 को, 10 केजी क्या H2 को, यहाँ H2 है, 10 केजी H2 को, ध्यान दीजिएगा यहाँ H2 है, छूट गया, LH3 बनाने के लिए मिश्रित किया गया। पहले नंबर आप क्या कर रहे हैं, N2 प्लस, क्या कर रहे हैं, N2 प्लस H2 बना के आ रहे हैं NH3। क्या बना रहे हैं, NH3। इसको जरा हम क्या कर लेंगे, संतुलन कर लेंगे, तो ये क्या होगा, 3H2 2NH3 संतुलित हो गया रिएक्शन। यही रिएक्शन हो रहा है, मिश्रित करके रिएक्शन आप कर रहे हो। देखो ये क्या कह रहा है, इसे यहाँ से साल हम लोग लिखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मोल N2 3 मोल H2 बना रहा है, और 2 मोल, 1 मोल N2 3 मोल H2 2 मोल NH3 बन रहा है। एक मोल N2 3 मोल H2 2 मोल NH3 बन रहा है। इस क्वेश्चन में क्या किया है, देखिएगा, क्वेश्चन दिया N2 का बार दिया है 50 के लिए, क्या दिया है N2 का बार, तो हम N2 का मोल निकालते हैं। चलिए यहाँ N2 का मोल निकालते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ देखेंगे, आप जानते हैं मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है पदार्थ का भार बटी अणु भार। ये आपको हमने अपने क्वेश्चन अभी बताया है। यहाँ लगाते हैं N2 का मोल, N2 का क्या मोल, H2 क्या होगा, पदार्थ का भार है 50 केजी, तो ग्राम में होता है, ध्यान दीजिएगा, यह हमेशा क्या होता है ग्राम में लेना होगा, तो ग्राम में करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे, बटे अणु भार होता है 28। N2 का क्या होता है, अणु भार होता है 28, तो आएगा कितना, आपका आएगा 17.86। ये तो जब साल करोगे 17.86 गुणे 10^2 मोल, 10^2 मोल, ये तो हुआ आपका N2। अगर हम यही काम करें H2 का मोल बराबर, देखेंगे H2 का मोल बराबर, H2 का मोल कितना दिया है 10 केजी, तो 10 गुणे 1000 बटे H2 का कितना होता है, 2 होता है,
ये कितना हो? 5 हो, यानी कि 5×10³ ध्यान दीजिएगा, एस टू का मूल कितना आ जाएगा? एस टू का आपका मूल हो जाएगा 5×10³ मोल। अब यहाँ हमें एक चीज पता करना है, यहाँ देखिए ये प्राप्त हो रहा है 5×10³ मोल, और ये प्राप्त होता है 17.86×10²² मोल। अर्थात आप जब पता है आपको 1 मोल N2 3 मोल की H2 की आवश्यकता होगी, 1 मोल N2 3 मोल H2 की आवश्यकता होगी। तो यहाँ अगर हम बात करें तो 17.86×10²² मोल है, तो कितने H2 की कितने मोल की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि 1 मोल ये है, कितना मोल है? 17.86×10²² मोल है, तो 3 मोल की आवश्यकता पड़ेगी H2 की, कितने आवश्यकता पड़ेगी, जबकि इसकी मात्रा कितना है? 5×10³। तो किसकी मात्रा कम हो रही है? ये 3 गुना चाहिए, इसके क्या होना चाहिए? 3 गुना होना चाहिए, इसके ये 3 गुना होना चाहिए, 3 गुना है का नहीं है। अर्थात इसमें हम देखेंगे इस सारे क्वेश्चन में जो सीमांत अभिकर्मक हो रहा है वो क्या है? H2O है। हमें पता चल गया कि जिसकी मात्रा पहले समाप्त होती है वही सीमांत अभिकर्मक होता है, और यहाँ सीमांत अभिकर्मक कौन है? H2 है। क्या है? सीमांत अभिकर्मक H2 है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है NH3 के उत्पादन के लिए क्या इन स्थितियों में NH3 के उत्पादन के लिए अब NH3 का कितना हो रहा है? क्योंकि अब तो डिपेंड करेगा N2 एक्सेज मात्रा में मिलेगा। यहाँ इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? N2 क्या हो रहा है? एक्सेज मात्रा में, आपको पता है N2 एक्सेज मात्रा में मिलेगा, N2 क्या होगा? एक्सेज हो जाएगा, यानी कि रिएक्शन पहले से बच जाएगा, रिएक्शन होने के उपरांत N2 बच जाएगा। निर्भर किस पे कर रहा है रिएक्शन? सारा ये रिएक्शन निर्भर कर रहा है H2O पर। सारा रिएक्शन किस पे निर्भर कर रहा है? सारा रिएक्शन निर्भर कर रहा है आपके H2 पर, कितना H2 है इसी पर निर्भर कर रहा है, ध्यान दीजिएगा H2 पे निर्भर कर रहा है। अर्थात अब हम ये कहें कि NH3 का कितने मोल होगा, NH3 का मोल निकालने के लिए NH3 का मोल होगा आपका 5×10³ × 2/3 मोल, कितना होगा? 2/3 मोल होगा। कितना होगा? 2/3 मोल, और ये आपका कितना होगा लगभग में? 3.3×10³ मोल, 3×10³ मोल मोल आ गया। NH3 का क्या हो गया आपका? मोल आ गया। कितने मोल, कितने NH3 प्राप्त होगा? 3.3×10³ मोल। अगर हम आपसे पूछ दें कि NH3 की मात्रा कितना होगा, तो आपको पता है मोलों की संख्या बराबर पदार्थ का भार बटे अणु भार। क्या पूछ रहा है? पदार्थ का भार पूछ रहा है। तो ये इस क्वेश्चन में इस वाले से हम लोग लगाते हैं मोल की संख्या बराबर मोलों की संख्या, आप लोग यहाँ लिख देते हैं N बराबर, आपको पता है W/M होता है, तो यहाँ से W पता करने के लिए क्या कर लेंगे? N×M कर लेंगे। क्या कर लेंगे? N×M यहाँ करते हैं, यहाँ क्वेश्चन करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो W=, आपको पता है N कितना हुआ है? 3.33×10³ ये आपका N पता है। M कितना होता है NH3 का? NH3 का जो M होता है कितना होता है बताइए?